तुर्की सीरिया में भूकंप से 4,800 की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। तुर्की सीरिया में भूकंप को लेकर भावुक हुए पीएम मोदी, कहा भुज के भूकंप को याद कर कहा कि जानता हूं वो किस हालात से गुजर रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, बैठक में सरकार की नीतियों पर चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोला सीएम योगी पर हमला, कहा योगी आदित्यनाथ ठग हैं। यूपी सीएम ने कहा था राहुल जैसे विपक्षी नेता भाजपा का काम आसान कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में हेट क्राइम की कोई जगह नहीं, हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश के गृह मंत्री बोले हिंदू हमारे देश में थे और रहेंगे, मंदिर तोड़े जाने पर कहा कि हमारा इस्लाम आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। हल्द्वानी के 4,000 और मंदिर मस्जिद फिलहाल नहीं टूटेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 हफ्ते तक नहीं होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में अब बिजली का संकट, सड़कों पर उतरे लोग। अगले हफ्ते त्रिपुरा जाएंगे पीएम मोदी, कई चुनावी रैलियों में लेंगे हिस्सा। 13 फरवरी को त्रिपुरा में करेंगे चुनावी सभा। संसद में सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, सोनिया गांधी को अचानक हुई बेचैनी, राहुल गांधी ने सोनिया को घर छोड़ा। तक पहला स्पेस बेबी पैदा होगा, IVF ट्रीटमेंट के जरिए अंतरिक्ष में तैयार होगा इंसानी भ्रूण, पृथ्वी पर डिलीवरी होगी। अडानी ग्रुप पर विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक, अडानी मुद्दे पर विपक्षी दलों में दो राय, अधिकतर विपक्षी दल बहस के लिए तैयार। दिल्ली मेयर चुनाव पर बीजेपी आपका प्रदर्शन, पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे के खिलाफ धरना दिया। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को भारत ने लगाई लताड़, बताया नफरत फैलाने की साजिश रचने वाला देश। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी, अवैध निर्माण ढहाने पर आतंकी धमकियां मिल रही, पथराव भी हो रहे हैं।